दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो बादल आ गया है, लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो बारिश होने वाली है। और मिर्ची मैंने काफ़ी लगा ली है, थोड़ी रह गई हैं और वो भी जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ बारिश आने से पहले पहले। सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है मिंटू पल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द मिंटू पल व्लॉग। ये देखिए टूटी का जो पानी था ना, इस पुदीने में रखा था पाइप, और मैं दरअसल भूल गया, उधर मैं काम करता रहेगा तो जहाँ से ये पानी जो निकल कर जहाँ पर बिखर गया पानी, और वो भी दिखाता हूँ जो आज मैंने काम किया है। ये कल भाभी और माँ ने जे उपले बनाए थे, ये देखिए, और इतना गोबर अभी पड़ा है, अभी 3-4 दिन तो लगेंगे इसे उपले बनाने के लिए, क्योंकि गोबर बहुत ज़्यादा जमा हो गया था सर्दियों में। तो ये सूख जाएंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे। और इस तरफ भी जो खाली किया है ना, तो जहाँ पर भी वो जो सामने पड़ी है तरपाल, वो बिछा कर जहाँ पर भी उपले जो हैं वो रखेंगे। दोस्तों जो उपलों पर जो दाल सब्जी या रोटी बनती है ना चूल्हे पर, उसका जो स्वाद होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। देसी स्वाद जो है वो होता है। वो देखिए माली, माली, ओ माली ये देखिए अभी है ना, काफ़ी ये मस्ती करने लगा है। ये देखिए हम कीला बोलते हैं, उसके साथ ये जोर आजमाइश कर रहा है। ये देखिए, ओए, तो ये जो लकड़ी पुरानी पड़ी थी उसे जो बालन बना लिया है इसका, वो देखिए वो माँ भी लगी है अभी। जो पत्ते हैं ना दरख्तों के, खासकर अमरूद के, वो इकट्ठे करके उसको, उसका जो धुआं है वो किया गया है, क्योंकि जो मच्छर है ना वो भी काफ़ी होने लगा है अब। तो जहाँ पर भी दोस्तों प्याज लगाएंगे हम लोग, ये देखिए जहाँ पर प्याज लगेगा, दोस्तों अचानक से जो मौसम है वो दोबारा ठंडा हो गया है, क्योंकि रात को बारिश आ गई थी। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि करेले के जो पौधे थे वो लगाए थे, शिमला मिर्च के पौधे लगाए थे, और आज जो मिर्ची है उसके जो पौधे हैं वो लगाएंगे। तो आइए दोस्तों मिर्ची के पौधों को लगाते हैं हम लोग। दोस्तों ये पैकेट मैं लेकर आया था 20 रुपये का, ये दरअसल ऑर्गेनिक खाद है। जो जितने भी हम लोग बूटे लगाएंगे ये सभी को डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक जी खाद है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो बादल आ गया है, लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो बारिश होने वाली है। और मिर्ची मैंने काफ़ी लगा ली है, थोड़ी रह गई हैं और वो भी जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ बारिश आने से पहले पहले। तो ये देखिए कितना बादल आ गया है। ये चारा काटा था माँ ने, तो अभी इसको टोके से काटेंगे और फिर भैंस को डालेंगे। ध्रुव भी बस आने वाला ही है घर से। दोस्तों मिर्ची के जो पौधे थे वो तो मैंने लगा लिए थे, और कुछ और काम था वो भी निपटा लिया है। और उसी के बीच थोड़ी बारिश आ गई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज मौसम काफ़ी चेंज हो गया है,
और बारिश के बीच मैं भीग गया और उसी वजह से थोड़ा बुखार भी मुझे हो गया है। तो दोस्तों शाम का वक्त हो चुका है और इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ब्लॉग देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी।